राम मंदिर इन अयोध्या. द प्राइम मिनिस्टर हैज ट्वीटेड अबाउट द सेम एंड सेड द ऑफिशियल्स ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैड कम टू मीट हिम एट हिज रेजिडेंस एंड दे हैव इनवाइटेड हिम ऑन द ओकेजन ऑफ द कॉन्सेक्रेशन ऑफ श्री राम टेम्पल एंड ही फील्स वेरी ब्लेस्ड. इट इज वेरी गुड फॉर्च्यून दैट इन हिज लाइफ ही विल विटनेस सच एन हिस्टोरिक ओकेजन. एक ऐतिहासिक क्षण है, लंबे संघर्ष के बाद ये राम मंदिर बन रहा है, इस पे किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीतिक फायदा उठाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश का जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की आस्था का जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की संस्कृति का मुद्दा है. बस उम्मीद यही है कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, LK अडवाणी जी रहे हों, बहुत सारे लोग रहे हों जिन्होंने इसको मुकाम तक लाए हैं, और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के वो सारे जजेस हों जिन्होंने इसकी सुनवाई की, उन सबको भी निमंत्रण दिया जाएगा. और शिवसेना का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है इस संघर्ष में. उद्धव साहब ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो वहाँ पर अयोध्या पहुँचे भी थे, और मुख्यमंत्री होने के नाते और राजनीतिक पक्ष के लीडर होने के नाते उन्होंने एक भव्य राम मंदिर बने उसके लिए एक योगदान भी दिया था. तो उम्मीद करते हैं सभी को बुलाया जाएगा और राजनीति से दूर रखा जाएगा, 2024 के चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. एनसीपी एमपी सुप्रीम पॉलिसी पैरालिसिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट में चल रही है और कोई गवर्नेंस नहीं है स्टेट में, और वो डिमांड कर रही है कि एक स्पेशल असेंबली सेशन हो रिजर्वेशंस पे ढांगर मराठा लिंगायत और मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए. उन्होंने ये भी कहा है कि एनसीपी उस किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी जो ये रिजर्वेशन इन कम्युनिटी के लिए लाएंगे. देखिए, जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र में, पिछले 1.5 साल से सरकार तो है पर सरकार के कोई नतीजे नहीं आ रहे हैं, ना सरकार जनता के लिए काम कर रही है. सरकार अपने में मस्त है और जनता त्रस्त है. साथ ही साथ उन पे एक और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उनको अपात्र करने का मुद्दा जो है वो स्पीकर उस पे बैठे हुए हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. दूसरी तरफ कभी सोचा नहीं होगा देश में या किसी कोने भी इस देश में कि मुंबई सबसे पोल्यूटेड सिटी बनकर निकलेगा, सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली, जो इनके कार्यकाल में हमने देखा है. तो और रिजर्वेशन की बात करें तो मराठा रिजर्वेशन को लेकर पहली बार जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ, जो इसके मांग कर रहे थे और उस पर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज के साथ साथ गोलियाँ चलाई गई. और आए दिन अखबारों में पढ़ा जाता है कैसे एक मराठा युवक अपनी जान ले रहा है इस संघर्ष को लेकर. देवेंद्र फडणवीस जब विपक्ष में थे उन्होंने कहा था मुझे एक दिन लगेगा आरक्षण लाने में, लागू करने में. तो मैं पूछना चाहती हूँ देवेंद्र फडणवीस जी, अब आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपने एक मराठा CM बनाया हुआ है, ये सब जो लोग हैं जिनको वादे किए थे उन सबके वादे कब पूरे होंगे? तो मैं बिल्कुल सुप्रिया सुले जी से सहमत हूँ कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाइए और इस पर कार्रवाई हो, इस पर चर्चा हो और इस पर निर्णय हो. एक डेलीगेशन कांग्रेस और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स से मिलने गए. उन्होंने प्रेजेंट किया 8 डिफरेंट मेमोरेंडम ऑफ पोल कोड वायलेशन इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना. तो जिस तरीके से मनमानी काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके का ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है, जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, जिस स्तर तक गिरती है, वो नियम कानून के खिलाफ तो है ही, साथ ही साथ जो राजनीतिक स्तर है उसको भी कम करने का काम करती है और लोगों के मन में एक नफरत घोलने की कोशिश करती है. तो ये सब इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पोल कोड वायलेशंस ना हो. तो अगर उनके संज्ञान में उस पर कार्रवाई होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करेगा और एक फ्री फेयर माहौल में ये चुनाव होंगे. हाई कमीशन ऑफ इंडिया ओटावा में कहा है कि इंडिया ने रिज्यूम कर दिया है वीजा सर्विसेज इन कनाडा कुछ कैटेगरीज के लिए, एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए. सबसे पहले तो मैं इस बात को वेलकम करती हूँ क्योंकि वहाँ पे जो हमारे इंडियन सिटीजन जो वहाँ पे रिसाइड करते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो गई थी यहाँ पे आने के लिए, और सिटीजन जो वहाँ के हैं जो इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप कर उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप ली है, तो उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था. पर मन में सवाल उठता है कि ये डी एस्केलेशन के क्या कदम उठाए गए,
क्या कनाडा ने ये संज्ञान लिया है कि जो हमारे खालिस्तानी लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या कनाडा ने ये आश्वासन दिया है कि किसी तरीके से जो लोगों ने यहाँ पे पंजाब में ऐसा माहौल बनाया हुआ है आप उनको वापस देश में भेजेंगे और न्याय प्रक्रिया देश हमारे देश की लागू होगी? तो क्या आश्वासन दिया है जिसके आधार पर पहले हमने इसको ख़त्म किया था और फिर हमने शुरुआत की है? वाइल आई वेलकम इट, पर मैं जानना चाहती हूँ कि किसी तरीके से इंडिया जो मुद्दे रख रही थी कनाडा के सामने, जस्टिन ट्रूडो के सामने, क्या उस पर किसी तरीके का मूवमेंट पॉजिटिव हुआ है या नहीं हुआ है?